हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 जून 2019 और यह हमारी 175वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाती हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। और दोस्तों, जैसे ही एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एग्जाम के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वीडियो में ऐड किए जाएंगे मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है राजीव रंजन मीणा। हाल ही में राजीव रंजन मीणा को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, मनोज खत्री इन्हें प्रबंध संचालक बनाया गया है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। शमीम उद्दीन को इन्हें सीईओ बनाया गया है भोपाल सहकारी दुग्ध संघ का। और धनराजू एस इन्हें बनाया गया है संचालक कौशल विकास का। तो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है, एनआईएएस अधिकारियों के तबादले हाल ही में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे औद्योगिक नीति और निवेश का उप सचिव बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है चंद्रामौली शुक्ल। हाल ही में चंद्रामौली शुक्ल को औद्योगिक नीति और निवेश का उप सचिव बनाया गया है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर कुछ और नाम दिख रहे होंगे, उनके बारे में भी आपको बता दें, तो पंकज जैन को इन्हें अपर आयुक्त बनाया गया है नगर प्रशासन विकास का। उमेश कुमार को इन्हें उप सचिव बनाया गया है नगरीय प्रशासन और आवास में। संजय कुमार को इन्हें हाल ही में उप सचिव बनाया गया है अजा कल्याण से। तो इन चारों के बारे में भी आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इनकी कमाई है 882 करोड़ रुपए। आप जानते होंगे लियोनल मेसी फुटबॉल के एक खिलाड़ी हैं। दोस्तों, हाल ही में 100 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई है जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं। दोस्तों, उसमें पहले स्थान पर है लियोनल मेसी, सेकेंड पर है क्रिस्टिनो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर है नेमार जूनियर। दोस्तों, अगर वहीं बात करें विराट कोहली की, तो इस लिस्ट में ये 100वें नंबर पर स्थित हैं। दोस्तों, इनकी कुल कमाई है 173 करोड़ रुपए। आपको पता होगा विराट कोहली क्रिकेट से जुड़े हैं और ये क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इस जो 100 लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली। तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में जरूर याद रखना है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, पिछली बार विराट कोहली को 83वां स्थान प्राप्त हुआ था और अब 100वां स्थान प्राप्त हुआ है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विश्वविद्यालय निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर दीक्षित को सम्मान करेगी? जिसका सही ऑप्शन है JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय मंत्री निर्मला सीतारमण को और एस जयशंकर दीक्षित को सम्मानित करेगी। दोस्तों, आपको बता दें, इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों को विशिष्ट एल्यूमिनियम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर दीक्षित समारोह में सम्मानित किए जाएंगे। तो आपको इतना इन दोनों के बारे में याद रखना है और इन्हें जो अवार्ड मिलेगा उसका नाम है एलुमिनी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है 141वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में भारत को 141वां यानी 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत 163 देशों के ग्लोबल पीस इंडेक्स में 5 स्थान लुढ़ककर 141वें नंबर पर आ गया है।
दोस्तों इस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे शांत देश है, और वहीं अगर बात करें सबसे अशांत देश की तो वह है अफगानिस्तान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस देशों को संघर्ष और अशांति के प्रयासों के आधार पर रैंक देता है, और उसी रैंक के अनुसार भारत का स्थान 141वां हाल ही में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है 12 जून को। हाल ही में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। दोस्तों बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पिछले साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस पर युवा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और बाल श्रम के अंत के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। दोस्तों 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसके खत्म करने के प्रयासों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए बाल श्रम दिवस की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है 2002 में बाल श्रम दिवस निषेध दिवस की शुरुआत की गई थी, जो हाल ही में 12 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राज्यसभा का नेता चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है थावर चंद गहलोत। हाल ही में थावर चंद गहलोत को राज्यसभा का नेता चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यसभा का नेता चुना गया है। दोस्तों 2014 से 2019 में राज्यसभा के नेता अरुण जेटली थे। आपको बता दें थावरचंद गहलोत 71 वर्षीय हैं और ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। अब दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, वीरेंद्र खटीक इन्हें हाल ही में लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाती हैं, आपको याद रखनी है। 17वीं लोकसभा में राज्यसभा का नेता थावरचंद गहलोत को और लोकसभा का नेता वीरेंद्र खटीक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? जिसका सही ऑप्शन है कंबोडिया। कंबोडिया में हाल ही में 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कंबोडिया के सीएम रीप में 16वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन 12 जून को शुरू किया गया है। इसकी थीम मीडिया के डिजिटलीकरण पर आधारित है। दोस्तों इस 3 दिवसीय इवेंट में 42 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों अब बात आई है कंबोडिया की, तो आपको मैप में कंबोडिया के बारे में बता दें। मैप में ये जगह कंबोडिया को दर्शाती है। कंबोडिया की राजधानी यानी कैपिटल है फेनोम पेनाह। दोस्तों आपको कंबोडिया के किंग के बारे में बता दें, तो यहाँ के किंग हैं नोरोडोम सिहामोनी। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं हनसुन। दोस्तों आपको बता दें कंबोडिया की करेंसी के बारे में, तो यहाँ की करेंसी है रियाल। तो इतना आपको कंबोडिया के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों यूनिसेफ ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना है। प्रियंका चोपड़ा बच्चों की शिक्षा के लिए काफी कार्य करती हैं। वे यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं, तो इस कारण इन्हें इस मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के गर्ल अप अभियान का भी ये हिस्सा रह चुकी हैं। साथ ही ये भारत में अलग अलग प्रकार के एनजीओ से जुड़ी हैं, जो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। तो आपको याद रखना है प्रियंका चोपड़ा को डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कब त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है 1956,
1956 में दोस्तों एक समिति बनाई गई जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं, और इन्होंने 1957 में अपनी रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायती राज के सुझाव के गठन के बारे में की। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है आपको इसके बारे में जरूर बता दें, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीन विभागों में बांटा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज को। और इसका गठन 1956 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। दोस्तों बलवंत राय समिति के सुझाव के बाद देश के बाकी राज्यों में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों इतना आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम कौन सा है? जिसका सही ऑप्शन है जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम है जबलपुर। दोस्तों आपको बता दें पहला नगर निगम जबलपुर है, और यह कब बना था? तो यह 1864 यानी 1864 में पहला नगर निगम बना था जबलपुर मध्य प्रदेश में। दोस्तों अब बात आई है जबलपुर की, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जबलपुर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म जबलपुर में ही हुआ था। दोस्तों हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद तिवारी, केशव पाठक और इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हुआ था। दोस्तों भेड़ाघाट, गुप्तेश्वर मंदिर, त्रिपुरी सुंदर मंदिर, रानी दुर्गावती का मदन महल मंदिर और ये सभी जबलपुर में ही स्थित हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। दोस्तों प्राचीन काल में जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता था। तो इतना आपको जबलपुर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन स्थापित करने वाले का नाम, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर। टेलर ने 1861 में मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन स्थापित किया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक हैं वीजी घाटे। तो इतना आपको इन क्वेश्चंस के बारे में याद रखना है। एक बार फिर बता दें मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति 21 अक्टूबर को मनाई जाती है। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे वीजी घाटे। मध्य प्रदेश पुलिस संगठन की स्थापना कर्नल टेलर ने 1861 यानी 1861 में की थी। तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था कौन सी गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन था बिलावा की गुफाएं। बिलावा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में किसे मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तो आज दोस्तों पर्यावरण को देखते हुए कम से कम आप 2 पेड़ अवश्य लगाएं हफ्ते में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।